गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन इन डेयरी फार्म। ठीक है, कि क्लीनिंग कैसे रखी जाती है, सैनिटाइज कैसे रखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, उसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा क्लीनिंग ऑफ एनिमल शेड। एनिमल शेड की जो क्लीनिंग है उसको अपने डिस्कस करेंगे। द ईजी एंड क्विक मेथड ऑफ क्लीनिंग एनिमल हाउसेज विद लिबरल यूज ऑफ टैप वाटर, प्रॉपर लिफ्टिंग एंड डिस्पोजल ऑफ डंग एंड यूज्ड स्ट्रॉ बेडिंग प्रोवाइडेड ड्रेनेज टू द एनिमल हाउस फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट एंड यूरिन। ठीक है, काफ़ी लंबी लाइन है, अपने डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसके अंदर क्या है कि ये कह रहा है कि एनिमल को क्लीन करने के लिए टैप वाटर, हमने छिड़काव वाला वाटर यूज़ करना है, प्रॉपर उसकी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी हमें, और जो पशुओं की जो है उनके अंदर जो डिस्पोजल उनका डंग है और स्ट्रो है, स्ट्रो बेडिंग, बेडिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर वो यूरिन करते हैं वहाँ पर क्या है, आप कोई तूड़ी वगैरह या मिट्टी बिछा सकते हो जिस जो लीटर बन जाती है बाद में, तो बेडिंग मटेरियल कुछ भी रख सकते हो। प्रोवाइडिंग ड्रेनेज टू द एनिमल हाउस फॉर कंप्लीट रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट। ठीक है, और एक क्या है, लिक्विड जो वेस्ट है कंप्लीट उसको निकालना होता है, यूरिन को भी। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हो। सेकंड है आपका सैनिटाइजेशन इन डेयरी फार्म। डेयरी फार्म के अंदर सैनिटाइज कराना। ठीक है, सैनिटाइजेशन इज नेसेसरी इन द ड्राई फार्म हाउसेस फॉर एलिमिनेशन फॉर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन द एनिमल। ठीक है, सैनिटाइजेशन क्या है, ज़रूरी है डेयरी फार्म यूजेस के लिए, एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको अलग करने के लिए, कॉजिंग डिजीज इन एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनिमल शेड कंटेमिनेट द मिल्क प्रोड्यूस दस रिड्यूसिंग इन शेल्फ लाइफ। ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट रह गए आपके एनिमल शेड के अंदर, तो क्या होगा, आपका मिल्क कंटेमिनेट होगा, मतलब दूषित होगा, दूषित हो जाएगा, और जो आपकी जो मिल्क है उसकी शेल्फ लाइफ है, मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, शेल्फ लाइफ रिड्यूस होगी, मतलब जल्दी ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मिल्क प्रोड्यूस इन एन अनक्लीन एनवायरनमेंट इज़ लाइकली टू ट्रांसमिट डिजीज विच इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, और अगर आपका अनक्लीन एनवायरनमेंट के अंदर मिल्क को रखते हो तो उसमें क्या है, ह्यूमन आपकी जो है हेल्थ वगैरह को इफेक्ट करेगा वो दूध। ठीक है, ड्राई फ्लोरिंग बस आगे की जरूरत नहीं, यहाँ तक ही करना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका सैनिटाइजर। सैनिटाइजर तो आजकल आपने सुना ही है, सैनिटाइजर सबने सुना होगा। डिसइंफेक्शन ऑफ एनिमल शेड मींस मेकिंग देम फ्री फ्रॉम डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड इट्स मेनली कैरिड आउट बाय स्प्रिंकलिंग केमिकल एजेंट सच एज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो नॉर्मल अपने हाथों को साफ करना है तो अपने अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, जिससे क्या है, बैक्टीरिया वायरस वो फ्री हो जाएं अपने हाथ। उसी तरह से जो एनिमल बेड हैं, जो एनिमल शेड हैं, उनके अंदर क्या, ब्लीचिंग पाउडर का अपने यूज़ करते हैं उसे सैनिटाइज करने के लिए, उसे बैक्टीरिया वायरस फ्री करने के लिए। आयोडीन का भी अपने यूज़ करते हैं, आयोडोफोर है, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा, अलग अलग क्विक लाइम है, फिनोल है। तो ज़्यादातर ये किसका यूज़ होता है, अपने यहाँ वाशिंग सोडा और फिनोल का यूज़ होता है, उसका यूज़ करते हैं हम अपनी जो पशुशाला जो एनिमल शेड है उसको सैनिटाइज करने के लिए। सनलाइट इज़ अ मोस्ट पोटेंट जो और पावरफुल सैनिटाइजर है, सनलाइट भी पावरफुल सैनिटाइजर है, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी तो उससे क्या है, आपका बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस। आपने सुना होगा कि नॉर्मली जो कोरोना वायरस है वो 8-10 घंटे रहता है हाथों पर या कपड़ों पर, लेकिन अगर आप धूप में बैठे रहोगे तो विद इन 2 आवर्स में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो जल्दी ख़त्म होता है, विच डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उससे मोस्ट ऑफ द डिजीज ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर है, आल्सो कार्ड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, ये क्या है, 39% अवेलेबल क्लोरीन होता है, विच एज हाईली डिसइनफेक्टिंग एक्टिविटी, और क्या है, डिसइनफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आयोडीन और आयोडोफोर है, उसमें क्या 1-2% आयोडीन होता है और कुछ नहीं है। फिर आ जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में क्या है, 4% सोल्यूशन होता है वाशिंग सोडा का। ठीक है, ये क्या है, पावरफुल डिसइनफेक्टेंट है अगेंस्ट मैनी वायरस और बैक्टीरिया के लिए। स्लैक एंड लाइम है, वो है फिनोल का यूज़ कर सकते हो, नाम ही याद रखना इसके और कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंसेक्टीसाइड। ठीक है, इंसेक्टीसाइड का यूज़ करते हैं अपने जर्म वगैरह जो क्रीमी वगैरह होते हैं उनको क्या है, ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं इंसेक्टीसाइड। इंसेक्टीसाइड आर द सब्सटेंस और प्रिपरेशन यूजिंग ऑफ किलिंग इंसेक्ट। किलिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट को किल करते हैं, जैसे मच्छर मक्खी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो क्या है, फिर आप इंसेक्टीसाइड का यूज़ करोगे। इन ऑर्डर टू कंट्रोल फ्लाइज एंड डिजीज ट्रांसमिटिंग टिक्स, इंसेक्टीसाइड यूज इन ड्राई डेयरी फार्म। ठीक है, तो डेयरी फार्म के अंदर क्या है, अपने इंसेक्टीसाइड का यूज़ कर सकते हैं।
टिक्स यूजली हाइड इन क्रैक्स एंड क्रीव्स, ठीक है, जो टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्रैक्स होते हैं, जो भी क्रैक वगैरह होते हैं उसके अंदर हाइड हो जाती है, दिखती नहीं है, एंड वॉल्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन आर रिक्वायर्ड फॉर स्प्रेइंग, तो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर क्या है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, जैसे लिक्विड भी कर सकते हैं, लिक्विड इंसेक्टिसाइड है, पावरफुल स्प्रेयर, हैंड स्प्रेयर से क्या है अपने छिड़काव उसका कर सकते हैं। कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड है जैसे BHC है, DDT है, ग्रामैक्सोन वेटेबल पाउडर है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, मेलाथियन का यूज़ कर सकते हैं। हाईली पॉइजनस है एंड नीड टू बी हैंडल केयरफुली, उन्हें केयरफुल हैंडल करने की जरूरत है, शुड नॉट बी कम इन मटीरियल ड्रिंकिंग वाटर मिल्क, ओके। तो इसके अंदर क्या है, इन्हें पढ़ने नहीं देना है, तो इनके कॉन्टैक्ट में फूड मटीरियल मिल्क है, ड्रिंकिंग वाटर, इंसेक्टिसाइड इनके कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जैसे रिमूव डंग एंड यूजेज बेडिंग कम्प्लीटली, ठीक है, तो डंग को क्या है रिमूव करते हैं, बेडिंग मटीरियल को भी क्या है कम्प्लीटली हम ले रखते हैं, ठीक है, डंग वगैरह को रिमूव करेंगे जो इसमें क्या है कीट वगैरह ना पनक पाए। अवॉइड स्प्लिंग ऑफ डंग एंड यूजेज बेडिंग वैलिड कैरिड आउट, ठीक है, तो क्या है जो डंग वगैरह करेंगे तो उसके नीचे बेडिंग मटेरियल अपने रखना है ताकि गोबर वगैरह वहाँ जम ना जाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या, अवॉइड द यूज़ ऑफ डर्टी वाटर इन क्लीन द शेड, गंदे पानी से शेड नहीं धोना चाहिए, गंदे पानी से धोओगे तो फिर फायदा क्या है, साफ पानी से शेड धोना चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट काफ़ी हैं इसके। नेक्स्ट हो गया आपका प्रोसीजर की बात करें, ठीक है, कि इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, रिमूव द डंग फ्रॉम द फ्लोर, पहले जो गोबर जो कि धरती पर जमा हुआ है, फर्श पर जमा है, उसको क्या है निकाल लेंगे, एंड यूरिन चैनल विद द हेल्प ऑफ ए शोवल एंड बास्केट एंड ट्रांसफर इट टू द व्हील बोरो, ठीक है। तो और फिर क्या है, जो शोवल की सहायता से, शोवल आप पता है इस तरह से, इस तरह का होता है टाइप का, उससे क्या है आप निकाल लेते हो अपने गोबर जो जमा हुआ उसको खुर्च के निकाल लेते हो। और आयरन बास्केट रखनी है अपने को, आयरन की तपेली जिसको अपने बोलते हैं, ट्रांसफर इट टू व्हील बोरोवर, ठीक है। रिमूव द शेड बेडिंग एंड लिफ्ट ओवर फ्रॉम द मैनेजर्स इन ए सिमिलर वे, ठीक है, तो जो बेडिंग मटेरियल है उसको भी रिमूव करते हैं, फिर उसको साफ अपने करेंगे, इस तरह से बोला ही गया है कि उसको आगे साफ करना है। इसके अंदर तुम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो जिसमें 13% मोर देन 30% क्लोरीन हो, फिनोल का यूज़ कर सकते हो, वाशिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अलाउ एडिक्वेट सनलाइट एंटर इनटू द शेड, ठीक है, जो सनलाइट है वो प्रॉपर तरीके से शेड के अंदर जानी चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड इज रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के अंदर जैसे 15 दिन या महीने 2 महीने के बाद आपको लग रहा है मक्खी मच्छर ज़्यादा है तो आप क्या है बुरकाव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बुरका वगैरह कर सकते हो जिससे क्या आपका इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बचा है मुर्गी पालन के अंदर जो पोल्ट्री हाउस है वो बचा है और बायो वेस्ट बचा है, ठीक है, तो वो मैं देखूंगा, अगर अपने सिलेबस में है तो अपने कराते जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका जो टेस्ट है उसकी आप अच्छे से प्रिपेयर कर रखना, ठीक है, जो भी आपका कल, अगर परसों से मंडे को अगर आपका टेस्ट है संडे को, तो कल फिर वीडियो नहीं आएगी, कल आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।